पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्र नंबर 9 राष्ट्रीय पशु बाघ। हम अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। 3/87 डॉग सफारी नई दिल्ली दिनांक 17 अक्टूबर। प्रिय साक्षी सप्रेम नमस्ते। तो यानी ये एक पत्र के माध्यम से बात की जा रही है। आशा है तुम सब कुशल होंगे। आपके नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है दीदी? कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहाँ शेर बाघ हाथी मोर हिरन सांप रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत ही आनंद आया। तो यानी यहाँ पर वो अपनी दीदी को पत्र लिख रही है कि हम कल चिड़ियाघर देखने गए थे और वहाँ हमने बहुत सारे जानवर देखे, शेर हाथी मोर हिरन सांप रंग बिरंगे पक्षी सभी देखकर बहुत ही आनंद आया। घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी हासिल की। मैं वे बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। तो यहाँ उन्होंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी निकाली और उसके बाद वो अपनी दीदी को सब कुछ बताना चाहती हैं। ये बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। यानी बाघ जो है वो बिल्ली के परिवार से है और बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरे भूरी धारियां होती हैं, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो ऊपर का भाग होता है वो पीले या फिर हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती है, और नीचे का पेट वाला भाग जो होता है वो सफेद होता है। कुछ भाग सफेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिग्रिसा है। यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ट्रिग्रिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। यानी बाघ पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। जलवायु और ज्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका घर बन गया है। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर तक होती है। नर बाघ का औसत वजन 221.2 किलोग्राम तथा मादा का 147.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। यानी जैसे शेर अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐसी बाघ हमेशा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में व्यस्त हो जाते हैं। यानी वो 5 साल में बड़े हो जाते हैं। ये मांसाहारी जीव जंतुओं का मुख्यतः चीतल सांभर हिरण बौर बारहसिंगा नील गाय लंगूर जंगली मैजे आदि का शिकार करते हैं। यानी ये शिकार किस चीज का करते हैं? चीतल का करते हैं, सांभर का, हिरण का, बौर का, बारहसिंगा का, नील गाय का, लंगूर का, ऐसे जंगली इन जंगली भैंसे इनका शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़े होने या शिकार में कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आतंकवाद बन जाते हैं। यानी जब इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, बहुत ही कमजोर होने लगते हैं, घायल होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, फिर ये मानव पर भी हमला करने लगते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम रह गई है तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच रहे हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक गवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं। इस कारण बाघ मानव बस्तियों में भी घुसे जाते हैं। अब क्या है, जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिस कारण क्या हो गया, बाघ जो है वो
मानव की बसों में भी धीरे धीरे घुसने लगे हैं तथा पालतू पशुओं पर शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1975 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम रह गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाले पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। यानी हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, यानी इनका शिकार नहीं करना चाहिए जंगली जानवरों का, यानी आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कभी इन जंगली जानवरों को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर ये संसार में पूरी तरह समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो कभी कोई इन्हें देख ही नहीं पाएगा। बच्चों, यहाँ पर हमने बाघ के बारे में पढ़ा, यानी बाघ किस तरह के होते हैं, क्या वो खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस परिवार से हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अब हम अपने नए क्लास से मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।